आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि पेटी कैशबुक क्या होती है और किस तरह के से उसकी एंट्री बिजी सॉफ्टवेयर में की जाती है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, अपने डेली के कई खर्चे होते हैं, जैसे अपन ने को कोई पेट्रोल का खर्च हो गया, चाय खर्च हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, तो वो सब क्या अपन एक पेटी कैश से एक लेजर बना लेंगे और उससे अपन इनको पे करता रहेंगे। तो पेटी कैश में जो कैश आता है वो अपन बैंक से निकालेंगे, फिर पेटी कैश में ट्रांसफर कर देंगे और फिर पेटी कैश से ये अपन खर्चे इस टाइप के करते रहेंगे। तो इसको अपन आज प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं। अब सबसे पहले अपन एक पेटी कैश की लेजर्स बना लेंगे। तो अपन ऐड अकाउंट पर जाएंगे और एक लेजर बना लेंगे पेटी कैश, और इसका जो ग्रुप रखेंगे वो अपन रखेंगे कैश इन हैंड, और इसको F2 से सेव कर देंगे। सबसे पहले अपन काउंटर वाउचर का यूज़ करेंगे और कुछ पैसा अपन बैंक से कैश में निकाल लेंगे। तो मैं ट्रांजेक्शन पर जाऊंगा, काउंटर में जाऊंगा और ऐड कर लूँगा। सपोज करते हैं 1 मार्च को अपन ने बैंक से पैसा निकाला, तो कैश तो हो जाएगा डेबिट। सपोज करते हैं 50,000 रुपये अपन ने बैंक से निकाले और SBI बैंक है मान लीजिए मेरा करंट अकाउंट, उसको ओपन कर देंगे क्रेडिट 50,000 रुपये से। तो ये तो सिंपल एंट्री हो गई कि अपन ने बैंक से पैसा निकाला 1 मार्च को। अब सपोज करते हैं इस कैश में से अपन ने कुछ पैसा अपन को पेटी कैश यानी डेली के खर्च के लिए चाहिए, तो अपन ने क्या करा, इस कैश में से सपोज करते हैं अपन ने पूरा ही कैश पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब पेटी कैश को सपोज करते हैं अपन डेबिट कर देंगे 50,000 रुपये से, और कैश को अपन क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपये से। तो इस तरीके से अपना पेटी कैश का बैलेंस देखेंगे तो 50,000 रुपये डेबिट आएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेटी कैश और ये बैलेंस जो आप देख पाएंगे अब 50,000 रुपये डेबिट है। तो अब अपने जो भी खर्चे होंगे वो अपन इस पेटी कैश से करते रहेंगे। तो खर्चा करने के लिए अपन सबसे पहले कई लेजर्स बना लेंगे, जैसे टी एक्सपेंस की अपन एक लेजर्स बना लेते हैं। ये मैंने एक टी एक्सपेंस की लेजर्स बना ली और इसका ग्रुप अपन रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और GST को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। जैसे सपोज करते हैं कुछ टी का अपना खर्चा हुआ 3 मार्च को, तो वो अपन ले लेंगे। ये 3 मार्च को कुछ एक्सपेंस हुआ तो टी हो जाएगा अपना डेबिट। सपोज करते हैं 150 रुपये की चाय पी गए अपने स्टाफ वगैरह, तो वो हो गया। अब यहाँ पर अपन जो क्रेडिट कर देंगे वो कर देंगे पेटी कैश को। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं नीचे पेटी कैश का बैलेंस भी कम हो रहा है। उसके बाद अपन ने जैसे कुछ पेट्रोल पर खर्च किया 4 मार्च को, तो वो अपन ले लेंगे पेट्रोल। पेट्रोल की एक लेजर्स बना लेंगे, ऑल्ट के साथ F1 करेंगे और यहीं पर ही पेट्रोल एक्सपेंस की लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। ये लेजर क्रिएट हो गई पेट्रोल एक्सपेंसेस, और ग्रुप यहाँ पर रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, F2 से इसको सेव कर देंगे और पेट्रोल एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट। जैसे 200 रुपये का पेट्रोल अपन ने भरवाया, तो वो भी अपन क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश को। तो सिंपली इस तरीके से अपन पेटी कैश का यूज़ करते जाएंगे और अपने खर्चों को डेबिट करते जाएंगे। अब एक लेजर्स और बना लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। तो एड अकाउंट पर जाकर अपन एक लेजर्स बना लेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये हो गया। इसमें अपन ग्रुप रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और F2 से इसको सेव कर देंगे। और सपोज करते हैं 6 मार्च को अपने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस हुए 300 रुपये के, तो वो अपन ले लेंगे, वो भी पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से अपन ने पेटी कैश में एंट्री कर ली। अब अपन लेजर जाकर देखेंगे तो पेटी कैश में बचा हुआ जो बैलेंस है वो आपको शो हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ये देखिए कैश था, उसमें से ये खर्चे हो गए, तो उन 50,350 रुपये अपने पास अब डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप पेटी कैश को अपने मेंटेन कर सकते हैं और उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो आप बिजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।